हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छा ही होंगे। हम मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर एक रेसिपी लेकर आए हैं, आज नई तरीके से बनाएंगे। तो ये हम ना मछली का सब्जी बनाएंगे नई दूसरे तरीके से। तो ये हम मसाला लिए हुए हैं, ये टमाटर है और चने का दाल डालूँगी इसमें, और ये हम लोग मछली लिए हुए हैं। तो इसको ना सारे जाल में हम पीस लेते हैं, इसको नहीं पीसेंगे, इसको पीसेंगे अलग अलग। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। तो ये हम मछली लिए हैं और इसमें हम नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं, इसको अच्छे से सब कुछ सानेंगे। ये हम बेसन लिए हुए हैं और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालें क्योंकि इसमें हम डाले हुए हैं। और इसको ना अच्छे से बेटर तैयार करेंगे इसको हम बनाने के लिए। इसमें मगर मसाला नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा फीका फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको हम मसाला में लपेट रहे हैं। तो इसमें हम ना तेल डाल रही हूँ इसमें, ये बेसन में ना पूरे अच्छे से लपेटेंगे। इसको पलट पलट देना है। तो ये तल चुका है, इसको हम सारे को प्लेट में निकाल देते हैं। तो हम कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं और इसमें हम तेल ऑयल डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा सरसों और मेथी दाना है, जल जाएगा तो इसमें हम प्याज, तो ये ना जल चुका है, इसमें हम प्याज काट के डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको लाल होने देते हैं, ये थोड़ा सा लाल हो चुका है तो इसमें हम अब मसाले को ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि इसको हम 10 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। तो ये हम इसमें भी डाल देते हैं, इसको भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला हमारी भुनिया रहा है एकदम से। तो ये थोड़ा सा भून चुका है तो इसमें हम चने की दाल को डाल देते हैं, इसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे। तो अब इसको आलू को भी हम डाल देते हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा देखने में लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। इसको भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे, याद करिए, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में लेकिन स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट के इसको भूनेंगे। ये गरम मसाला का पाउडर है, थोड़ा सा डाल रहे हैं और एक गिलास डाले हैं और एक गिलास और डाल रहे हैं। 2 गिलास हम पानी इसमें ना ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी मर्जी, आप गाढ़ा रखना चाहते हैं सीरा तो आप 1.5 डालिएगा, अगर आप पतला चाहिए तो थोड़ा और पानी डालिए, अपने मुताबिक डालिएगा पानी जैसा आपको अच्छा लगे खाने में। तो हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो ये हम थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं क्योंकि आलू गलेगा तो सीरा भी सूखेगा और मछली अभी इसमें हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो टूट जाएगा। इसको पकने देते हैं 15 मिनट तक, एकदम से ढक देते हैं। तो ये सब्जी तैयार हो चुका है तो इसमें हम सारे मछली को डाल देते हैं। तो ये हरा धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। तो सब्जी हमारा हो चुका है तैयार, इसको अब हम बंद करते हैं। तो देखिए हमारा सब्जी एकदम से तैयार हो चुका है। तो अब यहीं पर वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगी, पसंद आए होगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तब तक के लिए बाय बाय।